काम की बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम मीनिंग सुन चुके हैं। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा हुआ है उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी एंड एन इनकम फॉर द ओनर। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी एंड एन इनकम फॉर द ओनर। जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, तो कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, क्योंकि वहां पे तीन ही हेड्स थे, एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल। एक्सपेंस का कोई सेपरेट हेड नहीं होता, तो यहाँ पे तो है ना पांच कैटेगरीज हैं, तो एक्सपेंस का सेपरेट हेड बनेगा। एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर की इनकम है, पैसे नहीं मिलते उतने से उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में जैसा दे रखा हो पीरियड उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। कभी होगा बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, कोई टाइम पीरियड नहीं है तो पूरे 10% पूरे साल का होगा। कभी होगा फॉर 3 मंथ्स तो इंटू 3/12, 6 मंथ्स तो इंटू 6/12। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है डायरेक्टली गिवन हो, एंट्री सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, इनकम के लिए, ओनर के लिए इनकम, तो उसकी कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी। कोई भी डाउट क्लियर, ठीक है जी। कुछ मेंशन नहीं है, अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे कैपिटल में तो इट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। मतलब आपने बिजनेस शुरू करा 50 लाख से, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की कोई डेट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई कोई डेट। इनकम तो बहुत सारी होंगी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होंगे, वो कैपिटल को ड्यूरिंग द ईयर एडजस्ट नहीं करते। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज करते रहते हैं ना, कह रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा, ओपनिंग बैलेंस पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पे, अनलेस ड्यूरिंग द ईयर कोई और एडिशनल कैपिटल आई हो और आपको उसकी डेट गिवन हो। अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आई तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस एंटिटी के लिए इनकम, ओनर के लिए एक्सपेंस। बिजनेस एंटिटी के लिए इनकम, अब बिजनेस ने बोला कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हमने आपको इंटरेस्ट दिया, अब जो आप पैसे विड्रॉ करोगे हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे। बट सर हाउ इज इट मेकिंग एनी सेंस, मेरा ही बिजनेस है, मैं ही पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? ये सब चीजें कहाँ ज्यादा रेलेवेंट होती हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, ये सब चीजें कहाँ रेलेवेंट होती हैं पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में बस एक अकाउंटिंग एंट्री है, इनकी एक्चुअल रेलेवेंस कहाँ होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। क्यों, मैंने इन्वेस्ट करा कैपिटल 50 लाख, आपने इन्वेस्ट करा 2 करोड़, मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर करेंगे सीधा। तो आपने कहा कि बेटा कैसे छोड़ दें, आपने डाले 50 लाख, मैंने डाले 2 करोड़, तो आप भी डाल दो 2 करोड़, छोड़ देंगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर कैपिटल जिसने ज्यादा डाली है वो तो चाहेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। ऐसे ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं हो रहा, मैं हर महीने ड्रॉइंग्स पे ड्रॉइंग्स करे जा रहा हूँ, दूसरा पार्टनर कर नहीं रहा, उसने भी विड्रॉ करने शुरू कर दिया, बिजनेस में पैसे ही नहीं बचे बिजनेस करने के लिए। तो कोई तो डिस्करेज करने का वो होना चाहिए ना फैक्टर कि भैया इंटरेस्ट चार्ज होगा, कर लो जितने विड्रॉ करने। बात समझ आए? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंटिटी। एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यों, आपने विड्रॉ करे, ड्रॉइंग्स तो अलग चीज है, ड्रॉइंग्स तो एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग्स टू कैश और बैंक, फिर वो ड्रॉइंग्स कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, आपने ड्रॉइंग्स करी 50,000 रुपए की, तो 50,000 तो आपके कैपिटल से कटेंगे ही कटेंगे, उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट भी लग गया तो वो 1,000 भी तो ओनर से ही चार्ज करेंगे। यस और नो, यस और नो, तो इट विल लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू बढ़ रहा है।
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसी के साथ एडजस्टमेंट एंट्रीज खत्म हुई। हमने सिर्फ तीन न्यू एडजस्टमेंट एंट्री सीखी, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाकी सब आपके टिप्स पे होनी चाहिए थी अभी तक। कुछ बच्चों के हैं वो एडवांटेज पे रहेंगे, कुछ बच्चों के नहीं है तो प्लीज रिवाइज ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब एडजस्टमेंट एंट्रीज। प्रैक्टिस के लिए इसी के नीचे क्वेश्चन है, आप अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये समझ पाए कि रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रखा है स्कूल्स में, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज पे ही पूरा क्वेश्चन आ गया जर्नल का, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। टेक्निकल एंट्रीज आपकी चेक हो जाती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस तो कोई भी कर लेगा ना, गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड तो कोई भी कर लेगा, रेंट पेड कोई कर लेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा, प्रीपेड में थोड़ा ध्यान देना होगा, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ईजी वो भी होती है बट यू हैव टू बी केयरफुल, इतनी डायरेक्ट नहीं होती, तो ध्यान से करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज।